नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस राज्य में वर्तमान में विधानसभा चुनाव चल रहा है? ए झारखंड, बी बंगाल, सी बिहार या डी पंजाब? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक सौ तिरपन गोपालपुर विधानसभा, सूरज भान सिंह ने लालू और नीतीश सरकार के 15 साल के शासन पर बोला हमला। लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद सूरज मान सिंह ने सैदपुर के कन्या उच्च विद्यालय में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 15 साल पहले जंगल राज था, 15 साल से महाजंगल राज कायम है। उन्होंने कहा कि बिना घूस के बिहार में कोई काम नहीं होता है, किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता है, मजदूरों को काम नहीं मिलता है। उन्होंने भीड़ से संवाद करते हुए पूछा कि पढ़ने कोई बिहार आता है? दिल्ली से इलाज कराने कोई बिहार आता है क्या? मजदूरी करने बिहार किसी प्रदेश का लोग आता है क्या? उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ शराब की होम डिलीवरी होती है। उन्होंने लोगों से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की अपील करते हुए गोपालपुर विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी सुरेश भगत को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। उन्होंने लोगों की अपील पर लोजपा प्रत्याशी सुरेश भगत को जीत का माला पहनाया। कार्यक्रम का संचालन लोजपा जिलाध्यक्ष प्रोफेसर विवांशु मंडल ने किया। नवगछिया के भवानीपुर गुमटी नंबर 10 के पास वाले मैदान में पप्पू यादव ने किया जनसभा, कहा 3 वर्षों में ही बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने रंगरा के भवानीपुर में एक चुनावी सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका बेटा आपके बीच आया है और उन्हें बदहाल बिहार को संवारने के लिए 5 या 10 साल नहीं, बस 3 साल चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में ही बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य बना देंगे। इसके लिए उन्होंने शपथ पत्र भी बनवाया है जिसे बिहार का हर एक नागरिक देख सकता है। उन्होंने अपने संबोधन में चुनावी घोषणा पत्र को लोगों के समक्ष रखा जिसमें समान शिक्षा, प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष तक 4,000 रुपये सालाना देने, उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपये सालाना, कॉलेज के छात्रों को स्कूटी देने, 20,000 रुपये का रोजगार देने, मुफ्त इलाज आदि देने की बात कही। पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ या कोरोना काल, गरीबों और मजदूरों की मदद करना, इन सब चीजों में मुख्यमंत्री आए और ना ही प्रधानमंत्री आए, लेकिन वह लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े हैं। पप्पू यादव ने मौके पर ही गोपालपुर से जन अधिकार पार्टी की प्रत्याशी सबाना आजमी को वोट देकर विधानसभा भेजने और एक समरस सरकार बनाने की अपील। नवगछिया, आज होगी जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की सभा। गोपालपुर विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीराजू गोपाल मंडल के समर्थन में गुरुवार को सैदपुर के उच्च विद्यालय में 10 बजे दिन में सभा होगी। जदयू मीडिया सेल जिला संयोजक रवि कुमार ने बताया कि सभा को मुख्य रूप से जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी और पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा संबोधित करेंगे। चुनाव पर्यवेक्षक ने ईवीएम डिस्पैच सेंटर का किया निरीक्षण। चुनाव पर्यवेक्षक ने बुधवार को गोपालपुर विधानसभा में दूसरे चरण के मतदान को लेकर की जा रही तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नौगछिया के मदनलिया महिला महाविद्यालय में बनाए गए ईवीएम डिस्पैच सेंटर का जायजा लिया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार के साथ चुनाव की तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर मॉक पोल 30 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसको लेकर गोपालपुर विधानसभा के सभी अभ्यर्थी को भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज बुलाया गया है। निर्वाची पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि मॉक पोल सभी अभ्यर्थी की उपस्थिति में होगा। इसको लेकर सभी अभ्यर्थी को पत्र निर्गत कर सूचित कर दिया गया है। बोले महागठबंधन के राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार, क्षेत्र के विकास के लिए एक बार मौका दे। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी शैलेश कुमार ने सैदपुर, पचगछिया सहित आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और गोपालपुर विधानसभा से एक बार मौका देने की अपील की। 153 गोपालपुर विधानसभा, राजपा के प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क। 153 गोपालपुर विधानसभा के राजपा प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबोद्दा ने साहू पर्वत्ता, इस्माइलपुर, रामनगर, छोटी पर्वत्ता, सिमरा में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। मौके पर उन्होंने कहा कि एक बार उन्हें लोग मौका दे, मतदाता उन्हें एक बार मौका दे, वो अपने
विधानसभा क्षेत्र की सूरत को पूरा जोर शोर लगाकर जरूर बदल देंगे। वहीं मौके पर उनके दर्जनों कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9403-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। सेक्टर पदाधिकारी कराएंगे दिव्यांग और वृद्ध मतदाता का मतदान। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाता का मतदान सेक्टर के पदाधिकारी के द्वारा कराया जाएगा। वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाता के मतदान को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। निर्वाचित पदाधिकारी SHD अखिलेश कुमार ने बताया 80 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाता का मतदान सेक्टर के पदाधिकारी द्वारा 29 एवं 30 अक्टूबर को घर घर जाकर बैलेट पेपर से मतदान कराएंगे। इसको लेकर सभी सेक्टर के पदाधिकारी और मतदान को लेकर सभी सामग्री उपलब्ध करवा दिए गए हैं। नवगछिया के भवानीपुर में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, कई जख्मी। नवगछिया के रंगरा के भवानीपुर साहू टोला गांव में दो राजनीतिक दलों में वोट देने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने की सूचना है। घटना के बाद घायल लोग प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए रंगरा थाना भी पहुंचे, जहां से पुलिस ने सबों को इलाज के लिए रंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। जब इलाज कराकर दोनों पक्ष थाना लौटे तो वहां पर दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर लिया है। रंगरा के थाना अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने की सूचना मिली, लेकिन मामले में किसी ने आवेदन नहीं दिया और जब जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो पता चला कि दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर मामले को रफा दफा। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9403-67-170।